हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरोगा के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस, प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बना रहा है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप का लास्ट लीग मैच, जिसमें ग्रुप सी की टीम्स है इन दोनों ने ही सुपर 8 में क्वालिफाई कर लिया, तो इस मैच का कोई असर नहीं होगा। तो चलिए बात करते हैं टूर्नामेंट के, चलिए इस पर मुकाबले के बारे में, जिसमें एक तरफ अफगानिस्तान है तो वहीं दूसरी साइड हमें वेस्टइंडीज देखने को मिलेंगे। दोनों के बीच में यह मैच आपको 18 जून को खेला जाएगा, यह मैच संत लुसिया के डैन सैमी नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन का अपडेट चाहिए तो हमें स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। तो आगे बात करते हैं, चलते हैं वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पर मैच के दिन में मौसम में थोड़ी सी नमी रहेगी, बारिश की भी संभावना, ह्यूमिडिटी 86% रहेगा और टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं कि पिच एनालिसिस करते हैं, जहाँ पर डैन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम सेंट लुसिया बैटर्स के अनुकूल मैदान होने के लिए फेमस है। छोटी बाउंड्री सपाट सतह पर रन बनाना ईजी करती है, इस सतह पर फास्ट बॉलर के लिए बहुत कम जगह है, जबकि गेंद को ऊपर छालने वाले स्पिनरों ने यहाँ अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अब बात करते हैं इनके विनिंग परसेंटेज देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 50% जीतने का चांस है, वहीं पे बॉलिंग फर्स्ट का भी यहाँ पे 50% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं एवरेज स्कोर देखते हैं, जहाँ पे फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 159 है, वहीं पे सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 151 है। तो दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, दोनों टीमों का हेड टू हेड भी देख लेते हैं, जहाँ पे वेस्ट इंडीज 4 मैच जीत के आ रही है तो वहीं पे अफगानिस्तान भी 4 मैच जीत के आ रही है। अब अगर बात करते हैं पहली टीम यानी अफगानिस्तान का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, जहाँ पे राजस्थान की टीम ने टूर्नामेंट में शानदार परफॉर्मेंस करके आ रही है, टीम ने लगातार 3 मैच जीत कर आ रही है, जिसमें युगांडा, PNG और न्यूजीलैंड जैसे मजबूत टीम को हरा दिया, ग्रुप में केवल टॉप किया है। वहीं ओपनर में बात करेंगे जो कि रमनुल्ला गुरबाज और इब्राहिम जाद, 2 मैचों में 100+ रनों के पार्टनरशिप की है, उनसे अच्छी शुरुआत टीम को मजबूत स्थिति ला सकती है। गुरबाज ने जहाँ से 167 रन बनाकर टूर्नामेंट के लीडिंग स्कोरर भी है, उनके पास मजबूत मिडिल ऑर्डर है और नसीबुल्ला जार्दन, मोहम्मद नबी और गुलबदीन नायक जो कि खेल रहे हैं, अपनी हिटिंग एबिलिटी के साथ अब्दुल्ला उमरजाई और आसिफ खान इस बैटिंग लाइनअप को मजबूत करते हैं। वहीं अगर बॉलिंग में बात करेंगे जो कि टीम की असली ताकत है, जो उनको हर मैच में जिता रही है, वेस्टइंडीज को सतर्क रहना पड़ेगा, जहाँ पे फजल फारूकी ने अब तक 12 विकेट लेकर टूर्नामेंट के लीडिंग विकेट टेकर भी है और जहाँ पे मुजीबुर रहमान शुरुआती विकेट की उम्मीद है। राशिद खान टीम के मेन बॉलर हैं, उन्होंने अब तक 6 विकेट लिए हैं, जहाँ पे नवीन उल हक को मिडिल ओवरों में अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा। ऑलराउंडर उमर जाए और मोहम्मद नबी और गुलबदीन नायब जो इस अटैक वेरिएशन ला सकते हैं। अब बात करते हैं अफगानिस्तान का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि राशिद खान है, रमनुल्ला गुरबाज है, इब्राहिम जार्दन, गुलबदीन नायब है, अजमतुल्ला उमर जाई है, मोहम्मद नबी है, नजीबुल्ला जादरान है, करीम जनद है, मुजीबुर रहमान है, नवीदुल्ला के फजल फारूकी है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात करेंगे जो कि राशिद खान है, रमनुल्ला गुरबाज है, इब्राहिम जादरान है। अब बात करते हैं दूसरी टीम यानी वेस्ट इंडीज़ का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, जहाँ पर रोहन पॉल की टीम ने लगातार 3 मैच जीत के साथ टूर्नामेंट में सुपर 8 में पहुँच गई है। उन्होंने अपने सबसे मुश्किल मैच में न्यूजीलैंड को 13 रन से हराया, उनके बैटर अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं और बॉलर्स ने भी अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। टीम ने PNG को हराकर टूर्नामेंट का स्टार्ट किया, फिर अगले मैच में टीम ने युगांडा को हरा दिया, यहाँ पे ब्रैंडन किम जॉनसन 4 के ओपनिंग कर रहे हैं, नंबर 3 पर जो कि निकोलस पुरन खेल रहे हैं। वहीं टीम का मिडिल ऑर्डर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और निकोलस पुरन ने रोस्टन चेस और पवन से अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी। यहाँ पे सैफियन रदरफोर्ड, अकील होसन अच्छे हीटर है, लास्ट गेम में जहाँ पे सैफियन रदरफोर्ड ने 39 बॉल में 68 रन बनाकर टीम को मैच जिताया था। वहीं टीम के पास नंबर 8 तक हीटर है, जहाँ पर रोमारियो सैफियन और एंड्रे रसल किसी भी टीम को तहस नहस कर सकते हैं। लास्ट गेम में टीम की बॉलिंग ने न्यूजीलैंड को 136 रन पर ही रोक दिया था, जहाँ पर अल्जारी जोसेफ और रोमारियो सैफियन की पेस अटैक टीम की ताकत है। अल्जारी ने लास्ट गेम में 4 विकेट लिए, तो वहीं पर गुदाकेश मोती और अकील होसन उनके प्रीमियर स्पिनर हैं, मोदी ने लास्ट गेम में 3 विकेट लिए थे। अब बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि ब्रैंडन किंग है, जॉनसन चार्ली है, निकोलस पुरन है, रॉबिन पॉवेल है, एंड्रे रसल है, सैफियन रदरफोर्ड है, रोमारियो सैफियन है, अल्जारी जोसेफ है, गुदाकेश मोती, अकील होसन है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि ब्रैंडन किंग है, निकोलस पुरन है, एंड्रे रसल है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पर डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं प्रेडिक्शन एंड कंक्लूजन करते हैं। वेस्ट इंडीज़ ने अफगानिस्तान के खिलाफ अपने घर में 3 मैच जीते हैं और टीम कॉन्फिडेंस से बड़ी होगी, इस मैदान पर उनका रिकॉर्ड अच्छा है, इस टूर्नामेंट में अफगान टीम शानदार परफॉर्मेंस में, उनके प्लेयर भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, दोनों टीम यहाँ पर बराबर है। अफगानिस्तान की बॉलिंग यहाँ पर मजबूत है,
लेकिन वेस्टइंडीज के प्लेयर कंडीशन को अच्छी तरह से जानते हैं। इस मैच में जीतने के लिए वो कुछ एक्स्ट्रा करना होगा। अगर दोनों टीम की परफॉर्मेंस की बात करें, दोनों टीम के स्क्वाड स्टैंड को देखते हुए, हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे मैच विनर वेस्टइंडीज होगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारे वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।